रंगोली बंगाली बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 4 के गजरीटार कोयले खदान हादसे में 64 कोल कर्मियों ने आज के दिन 29 साल पूर्व जल समाधि ले ली थी। कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष आज के दिन समाधि स्थल पर बीसीसीएल के सीएमडी समीर दत्ता, सभी निर्देशक, पूर्व मंत्री सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, भावी विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व व्यारा अध्यक्ष विजय कुमार झा, झामुमो नेता शिव प्रसाद महतो, राजेंद्र प्रसाद राजा, मुकेश सिंह, कृष्णा लाल, तत्कालीन पार्षद छोटू सिंह, राजेंद्र प्रसाद, राजद नेता विनय पासवान, मुकेश गुप्ता, कन्हैया निषाद, लक्ष्मण पासवान, अजय सिंह, शंकर चौहान, नागेंद्र वर्मा सहित मृतक के परिजन ने शहीद स्मारक स्तंभ गुजरीटांड पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सरल रहे कि 29 साल पहले 26 सितंबर को गजरीटांड कोयलरी के 6 नंबर खदान में कतरी नदी का पानी खदान में प्रवेश करने के कारण खान में कार्यरत 64 कोल कर्मी जल में समा गए थे। उनके याद में सीएमडी समीर दत्ता ने पौधरोपण कर सुरक्षित माइनिंग का संकल्प लिया। प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर के दिन शहीद कोल कर्मियों की याद में यहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित होती है, जबकि मृतक कोल कर्मियों बी के परिजनों ने कहा कि आज भी प्रबंधन द्वारा उन लोगों को समुचित व्यवस्था व संसाधन उपलब्ध नहीं कराई गई है। हर साल बीसीसीएल बी के वरीय अधिकारियों द्वारा सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। आपका कौन परिवार जिंदाबाद। धीरे धीरे बारिश जो प्रारंभ हुआ वो 26 सितंबर से सुबह का था कि सारे मजदूर जो हमारे हैं प्रोडक्शन कम हो रहा है। 300 टन मार्क प्रोडक्शन होता था कभी काम कर रही थी माइन की मार्क प्रोडक्शन, तो इसलिए लेबर हमारे कारण इसमें से प्लास्टिक निकाल दिया है ना। नाना साहब करण।